हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं वापस आ गई हूँ एक और हॉरर स्टोरी के साथ। आज की कहानी आपको सुनाने के बाद एंड में मैं बताऊंगी कि क्या ये कहानी किसी सच्ची कहानी पे बेस्ड है या नहीं। तो चलें सुनते हैं आज की कहानी। सन 1983 की गर्मियों में एक वाकया पेश आया मिनियापोलिस मिनेसोटा के एक छोटे से गाँव में। पुलिस को एक झुलसी हुई लाश मिली। लाश घर के किचन के अवन से बरामद हुई थी। इस पूरे वाक्य में एक रोंगटे खड़े करने वाली बात यह थी कि अवन को रिकॉर्ड करने के लिए सामने स्टैंड पर एक कैमरा लगाया हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने उसे चेक किया तो उसमें कोई टेप नहीं थी। अलबत्ता एक VHS टेप उसी घर के पास एक कुएं के अंदर से मिली। टेप बहुत खस्ता हालत में थी और उसमें कोई आवाज़ नहीं थी। फिर भी जब पुलिस ने उसे चलाया तो दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आ गई। वीडियो में एक औरत ने कैमरे को उस पोजीशन पे रखा जिस हालत में वो पुलिस को मिला था। उसने कैमरे को अवन की तरफ किया, फिर अवन का चूल्हा जलाया और हैरत अंगेज तौर पर वो औरत उस अवन के अंदर बैठ गई और दरवाज़ा खींच के बंद कर लिया। तकरीबन 8 मिनट बाद वो अवन जोर जोर से हिलने लगा और उसमें से काला धुआं निकलता दिखाई दिया। फिर 1.5 घंटा वो अवन हिलते हिलते रुक गया और किचन धुएं से भर गया। कैमरा तब तक चलता रहा जब तक उसकी बैटरी नहीं ख़त्म हो गई। मुकामी पुलिस ने अवाम को खौफ और हिरास से बचाने के लिए उस कैमरे की फुटेज को अवाम तक नहीं पहुंचने दिया, बल्कि ये बात भी छुपा ली कि कोई टेप ही मिला था। पुलिस इस बात को भी पता लगाने में नाकाम थी कि ये टेप कुएं में कैसे फेंका गया और किसने फेंका। तो आपका क्या ख्याल है, ये कहानी सिर्फ एक ड्रावनी कहानी है या वाकई हकीकत में ऐसा कोई वाकया पेश आया होगा? अगर आप क्रीपी पास्ता जैसी वेबसाइट्स पर जाकर कमेंट्स पढ़ें तो लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ एक सनसनीखेज अफसाना था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अवन में लाश की कहानी दरअसल फिनलैंड की एक औरत पर मबनी है। हिल्का सेरेनन 1927 में फिनलैंड में पैदा हुई। हिल्का का कत्ल 1960 में दिसंबर के महीने में हुआ और ये फिनलैंड का एक मशहूर वाकया है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक कातिल आज तक फरार है। हिल्का सेरेनन का कत्ल 33 साल की उम्र में हुआ। उसे आखिरी बार कत्ल से कुछ दिन कबल ही देखा गया था। वो अपने शौहर पुंटी फ्रांस सेरेनन के साथ अपने आबाई घर में रहती थी। ये एक पुराना लकड़ी का मकान था। उन मियाँ बीवी के 5 बच्चे थे, लेकिन स्टेट ने बच्चों को फॉस्टर होम्स में डाल दिया था क्योंकि उनका बाप पुंटी एक नहायत ही पुरतशद्दुद यानी अब्यूसिव इंसान था। उसका गुस्सा बच्चों के लिए नहायत ख़तरनाक था। गांव वालों और बच्चों के मुताबिक पुंटी अक्सर शराब के नशे में बीवी पर हाथ उठाता। वो एक नहायत ही शक्की और वहमी आदमी था और अपनी बीवी को धमकाता था कि वो इसे इस तरह मार डालेगा कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। हिल्का का सबसे बड़ा बेटा अपने वालिदैन से क्रिसमस की छुट्टियों में मिलने आना चाहता था, पर वो अपने दोस्त के साथ क्रिसमस की छुट्टियों से एक दिन पहले ही घर पहुंच गया। दरवाज़ा खुला था तो वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। सहन तक गए तो देखा पुंटी किचन से निकल कर आ रहा है। ताज्जुब की बात ये थी कि पुंटी किचन से निकलने के बाद किचन के दरवाजे को लॉक कर रहा था। पुंटी अपने बेटे और किचन के दरवाजे के बीच खड़ा हो गया और उसने उसे एक दिन पहले घर आने की वजह पूछी। बेटे ने जब माँ के बारे में पूछा तो पुंटी ने ये कहा कि मैं तो सो रहा था, तब वो घर से बाहर कहीं चली गई होगी। हिल्का अक्सर एक घर में काम करने जाती थी। बेटे ने मशवरा दिया कि माँ को क्या वहाँ ढूंढने जाएं, पर पुंटी ने बहाना बना दिया कि अब तो वो वहाँ जाती ही नहीं। अंधेरा होने पर बेटा और उसका दोस्त बिस्तर और कंबल लेने किचन के पीछे बड़े कमरे में गए तो देखा कि किचन का दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने पुंटी से पूछा कि किचन में लाइट क्यों नहीं जल रही।
तो उसने जवाब दिया कि बल्ब टूट गया है। दोनों लड़के किचन से गुजरकर बड़े कमरे तक गए। सहन और कमरे की हल्की सी लाइट की रोशनी किचन में पड़ रही थी। बेटे को सबसे अजीब बात ये लगी कि किचन के ओवन पर जो बहुत सारा टूटा फूटा सामान रखा हुआ था वो सब ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो ओवन कई साल से इस्तेमाल नहीं हुआ था। बेटे के दरियाफ्त करने पर पुंटी ने कहा कि वो ओवन की सफाई कर रहा है, इसीलिए सामान ज़मीन पर रखा है। लेकिन अंधेरे में? अंधेरे में कौन सफाई करता है? बेटे की नज़र पुंटी की उंगलियों पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी उंगलियाँ थोड़ी थोड़ी ज़ख्मी भी थीं। बेटे के दोस्त को पुंटी की घबराहट पर शक हुआ और वो डर के मारे जल्दी घर चला गया। बेटे ने बदकिस्मती से उसके बाद अपनी माँ को फिर कभी जिंदा नहीं देखा। यूं कुछ साल बीत गए और बेटा कभी कभार घर आता, लेकिन दो दिन से ज़्यादा ना रुक पाता। माँ की गुमशुदगी का सुराग लगाने के लिए उसने घर का बहुत अच्छी तरह मुआयना किया। घर के तहखाने से लेकर घर के बाहर जो गुसल खाना था उसके अतराफ़ की जगह अच्छी तरह देखी और छानबीन की। घर के बाहर जो रेत का ढेर पड़ा हुआ था अब वो भी मौजूद नहीं था। हिलका के बेटे ने लकड़ी के फर्श के तख्तों से लेकर एटिक तक का जायज़ा लिया कि शायद कोई सुराग मिल जाए, मगर मायूसी के सिवा उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। अफसोस, वक्त के गुजरने के साथ साथ उसको यकीन हो गया कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर आखिरकार 1966 में बेटे ने पुलिस को एक ख़त लिखा। मुझे शक है कि मेरे वालिद मेरी माँ की गुमशुदगी के बारे में कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने ओवन के एक एक पुर्जे की खोल कर सफाई की, फिर पूरा ओवन जोड़ कर दोबारा बंद कर दिया, लेकिन इससे पहले 7-8 सालों से ओवन कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जब मैं छुट्टियों पे आया तो मेरे वालिद ओवन की अंधेरे में सफाई कर रहे थे। मेरे ख्याल में ओवन को तोड़ कर उसका अच्छी तरह मुआयना किया जाए। मेरे जालिम वालिद कुछ भी कर सकते हैं। अफसोस, उस लड़के के ख़त को पुलिस ने रद्द कर दिया। पुलिस से नाउम्मीदी के बाद 1967 में उसने इलामा मैगज़ीन को ख़त लिखा जिसमें उसने अपने वालिद को कातिल करार दिया। जब बाप बेटा दोबारा मिले तो पुंटी ने अपने बेटे से कहा कि वो इस मामले से दूर रहे। हैरतअंगेज तौर पर हिलका की गुमशुदगी को 12 साल बीत गए। 1972 में पुलिस ने तहकीक के तौर पर कई पुराने केसेस खोले जिसमें हिलका का केस भी था। पुलिस ने बेटे से बात की और बेटे ने पूरी हकीकत पुलिस को बता दी। 27 नवंबर 1972 में पुलिस वारंट के साथ पुंटी के घर में दाखिल हो गई। पुंटी को फौरी तौर पर तफ्तीश के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ओवन खोलने पर पता चला कि वो रेत से भरा हुआ था। जब रेत खोदी गई तो 1 मीटर की गहराई पर किसी का मुर्दा सर नजर आया। थोड़ी और खोदने पर एक पांव मिला। आखिरकार ओवन से अलग अलग हिस्सों में पूरी की पूरी लाश बरामद हो गई। हिलका के बेटे ने उस लाश की शनाख्त की और बता दिया कि वो उसकी माँ हिलका ही है। सारे सबूत के बावजूद पुंटी को सज़ा नहीं हुई। हिलका की गुमशुदगी को इतने साल गुजर गए थे कि पुंटी को कातिल करार देना मुश्किल था। अदालत ने यह फैसला सुनाया कि पुंटी ने अपनी बीवी को जानबूझकर कत्ल नहीं किया और उसे सिर्फ 8 साल की कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को 1 ही साल में रद्द कर दिया और इस नतीजे पर पहुंची कि कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुंटी अपने उसी खाली घर में वापस जाकर रहने लगा। फिर 1986 में 1 अगस्त को उसका वहीं अकेले इंतकाल हो गया। पुरस्रार तौर पर आज तक ये साबित नहीं हो सका कि क्या पुंटी ने वाकई हिलका का कत्ल किया था या फिर हिलका ने क्रीपी पास्टा की कहानी की तरह पुंटी के जुल्म से तंग आकर खुदकुशी की थी। शायद ये राज हमेशा राज ही रहेगा। पर आप सबका ये कहानी सुनने के बाद क्या ख्याल है? क्या पुंटी ने ही हिलका का कत्ल किया होगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ आपसे एक और हॉरर स्टोरी के साथ। अंटिल देन, बाय।